गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ाएंगे चैप्टर फाइव ठीक है चैप्टर फाइव में है जीवन की मौलिक इकाई जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी सचिव सजीव चाहे वो बनस्पति हो या जंतु हो जो भी हो छोटी से छोटी इकाई से बना है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका जिस तरह एक भवन एक बिल्डिंग बिना ईंट का नहीं हो पाता है नहीं बन पाता है उसके बिना बनना संभव है असंभव है उसी प्रकार आ, उसी प्रकार एक शरीर की संरचना जो होती है वह बिना कोशिका की नहीं हो पाती है कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत आप लोग तो आठ क्लास में भी कोशिका के बारे में पढ़े हैं क्लास एट में कोशिका के बारे में कुछ कुछ जानकारी हो चुकी है तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौर की पत्ती काट के में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा कि रॉबर्ट हुक ने इस प्रकुष्टों को कोशिका नाम दिया उन्होंने छोटे-छोटे जो प्रकोष्ठ को देखा प्रकोष्ठ को देखा तो उसको वे उस से लान दिए कोशिका नाम दिया रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठ का नाम कोशिका दिया लैटिन भाषा में उसका शब्द होता है छोटा कमरा सेल छोटा कमरा उपरोक्त घटना छोटी तथा तो अर्थहीन लगती हो लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तो घटना है इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है कोशिका के विषय में और जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं सजीव आखिर कैसे बने हैं और किससे बने हैं तब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा एक्टिविटीज करते हैं तो प्याज का एक टुकड़ा लेंगे प्याज के टुकड़ा कुछ की को चिपटी की सहायता से उसके छिलका को अवतल सतह की ओर से अंदर की ओर से उसकी झिल्ली को उतारेंगे झिल्ली को उतार कर तुरंत इसे वाच ग्लास में रख देंगे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाए हम झिल्ली को क्या करेंगे कांच की स्लाइड लेंगे इस पर पानी की एक बूंद डालेंगे ग्लास पर रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को स्लाइड पर रख देंगे यह ध्यान रखिए कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो और एक पतला पेंट ब्रश से झिल्ली को स्लाइड पर रखने में मदद करेंगे इस प्रकार एक बूंद सेफ्रोमाइन को डालेंगे और कवर स्लिप से उसे ढक देंगे कवर स्लिप से उसके ऊपर धीरे से ढक देंगे कवर स्लिप को सुई सहायता से इस प्रकार रखेंगे जिसमें वायु के बुलबुले ना आ जाए किसी तरह का कोई एरर ना हो और धीरे से उसको ढक करके फिर माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से हम उसे देखेंगे ये हमारा अस्थाई स्लाइड बनेगा जिसे हम कब शक्ति वाले या उसके बाद शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम देखते हैं संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी में रखा हुआ स्लाइड अस्थाई स्लाइड जो भी प्याज का बनाया है उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं कि जो संरचना छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, कागज पर खींच सकते हैं, क्या इसे हम देख सकते हैं, क्या इसे हम कर सकते हैं? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखाई देती है और ये जैसे ईट किसी बिल्डिंग की जो दीवार होती है उसके डिजाइन की होती है इस ईट के बीच में ईट ईट के ऊपर ईट उस तरह का रखा हुआ प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती है बिल्कुल ईट की तरह होती है अब विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अब अस्था स्लाइड बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक समान को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न देखते हैं। ये संरचनाएं क्या है ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्क कंद बनाते हैं जैसे प्याज इस क्रिया से क्या पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में द्वारा देखने पर एक ही जैसी संरचनाएं दिखाई देगी चाहे प्याज बड़ा हो या प्याज छोटा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी संरचनाएं एक ही जैसा होगी ईट के की संरचनाएं होंगी प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं वो शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है और इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं तो न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु है हमारे आसपास हैं, है हम देखते हैं जिनको छोटा जीव जंतु हो या बड़ा जंतु जो भी जीव जंतु है जो सजीव है वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं कुछ जीव एक कोशिक खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं में भी एक संपूर्ण जीव है जैसे अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे अमीबा है क्लेबाइडोबोनस है पैरानशियम है तथा कुछ बैक्टीरिया इन सजीवों को एक कोश जीव कहते हैं जो एक कोशिका की बनी होती है उन्हें एक कोष जीव कहते हैं इसके अतिरिक्त तो बहु कोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे फंजाई कवक पादप तथा जंतु क्या हम कुछ और एक कोश जीवों के विषय में पता कर सकते हैं प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है कोई भी बहु की जीव है वह एक कोशिका से ही विकसित हुआ है कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कई कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्वती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट ने 1665 में लगाया था उसने कोशिका को कोर की पतली काट में की सहायता से देखा फिर ने 1674 में सबसे पहले उन्नत से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया फिर जेई पूर्वकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया दो जीव वैज्ञानिक और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंग को समझना संभव हो सका छोटा सा क्रियाकलाप करके देखते हैं हम लोग पत्ती की झिल्ली लेंगे प्याज की मुलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झीली के अस्थाई स्लाइड बना सकते हैं उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम इस तरह देंगे क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है <coughs> क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है क्या पादप के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कोशिकाओं में कोई अंतर है चौथा हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं कोशिकाएं भी हो सकती है निम्नलिखित तस्वीर को देखिए ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं चिकनी चिक्की पेशी कोशिकाएं और ये है रुधिर कोशिकाएं ये है अंडाणु ये है अस्थि कोशिकाएं अस्थि कोशिका है ये शुक्राणु है और ये वसा कोशिकाएर यह है तंत्र का कोशिका है, है। तो मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं यहाँ चित्र में दिखलाया गया है कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं कुछ कोशिकाएं है, अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे एक कोशिकीय अमीबा एक कोशिकीय अमीबा या एक कोशिका की बनी रहती है ये अपने कुछ आकार बदलती रहती है कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार के कोशिका के लिए विशिष्ट होता है उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है सभी सजीवों का गुण है जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे कर सकती है हम जानते हैं कि बहु कोश की जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसा कि मनुष्यों में होता है इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं और मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा भोजन का पाचन करता है। इस प्रकार एक कुश्क में भी श्रम विभाजन होता है वास्तव में ऐसे प्रत्येक कुष्का में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। जिन्हें कोशिकांग कहते हैं यानी कि कोशिका के अंग प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित है और अपने सभी कार्य को करती है ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं यह बड़ा रुचकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है कोशिका की खोज किसने की और कैसे की रॉबर्ट हुक ने कुका का, का खोज किया सबसे पहले कॉर्क में उन्होंने देखा मधुबक्की के छत्ते की तरह दिया उसमें उसका नाम दिया सेल कोशिका दूसरा प्रश्न कोशिका को जीवन की संरचक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं कोशिका को जीवन की संरचन तक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं हमारा शरीर कोई भी सजीव छोटा बड़ा जो भी सजीव हो वह कोशिका का ही बना हुआ होता है कोशिका की ही जिस प्रकार हमारा घर हमारा मकान कोई भी भवन बिना ईट का संभव नहीं है उसी प्रकार किसी भी सजीव का शरीर बनना बिना कोशिका का असंभव है इसलिए कोशिका जीवन की संक व क्रियात्मक इकाई है कोशिका के बिना सजीवों का निर्माण होना असंभव है कोशिका किससे बनी होती है कोशिका का को संरक्षात्मक संगठन क्या है यह हम अभी पढ़ेंगे कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं कोशिका कैसे संगठित होती है यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में तीन गुण दिखलाई देंगे सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होता है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। और की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं क्या कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर बारिश प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं विष्रम की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है जैसे जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है फिर से फिर से ध्यान से समझिए कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मिश्रण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भीषण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में द्वारा अंदर चली आती है। जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे पराशरण कहते हैं जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे पराशरण कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है इस प्रकार में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं पराशरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलियन में रखें तो क्या होगा जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के घोल में रखेंगे तो क्या होगा देखिए क्या होता है निम्नलिखित तीन घटनाओं में से एक घटना हो सकती है यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है उसमें रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसमें रखा जाए तो जल विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे अल्प पराशरण दाबी विलयन अल्प पराशरण दाबी विलयन जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं लेकिन कोशिका के अंदर आने वाले कोशिका के अंदर आने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया इससे कोशिका फूलने लगेगी कोशिका फूलने लगेगी यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें कि बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी ऐसे विलियन को समरी विलियन कहेंगे दूसरा पॉइंट है यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलियन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक सांद्र बराबर हो तो कोशिका जल्दी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी तो ऐसे विलियन को परासरी विलियन कहते हैं जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई इसलिए कोशिका के बाप में कोई परिवर्तन नहीं आया कोशिका के बाप में कोई परिवर्तन नहीं आया सम परासारी विलियम तीसरा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है यदि बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से, से बाहर आ जाएगा जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा ऐसे विलयन को अति पराशरण दाभी विलयन कहते हैं तो यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है अधिक गाढ़ा है अधिक सांद्र है तो जल पराशरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को अति पराशरण दाभी विलयन कहते हैं पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा ऐसी स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर आएगा तो जब ज्यादा कोशिका से अधिक जल जब बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर आएगा तो इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी कोशिका सिकुड़ जाएगी और पराश्रम इस प्रकार विश्रण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है पराश्रम इस प्रकार विश्रण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है इसका छोटा सा क्रियाकलाप है अंडे से पराशरण अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी कि डायलूट एचल में अंडे को डायलूट एच में डालकर उसके कवच को हटा देंगे और इसका कवच अधिकांश कैल्शियम कैल्सियम का बना हुआ होता है पता है आप लोगों को एक पतली बाह्य त्वचा तो झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है एक पतली झिल्ली अंडे को घेरे रखती है अंडे को शुद्ध जल में रख और पांच मिनट के बाद इसका अवलोकन करते हैं हम क्या देखते हैं कि अंडा फूल जाता है क्योंकि पराश्रण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है पराशरण के द्वारा पराशरण विधि द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है बी बी पॉइंट में इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखेंगे नमक के गाढ़ा घोल में सांद्रित विलयन में रखेंगे और पांच मिनट तक उसको छोड़ देंगे और उसका अवलोकन करेंगे क्या देखेंगे कि अंडा सिकुड़ जाता है अंडा सिकुड़ जाता है क्यों क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, है। क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है नमक का घोल अधिक सांद्रित है इसलिए अंडे से निकल करके जल नमक के घोल में चला आता है और इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सुखी किसमिस अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न करते हैं कुछ लेंगे या खुबानी को केवल जल में रख देंगे और उसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के घोल में रखेंगे सांद्रित घोल में रखेंगे किसमिस को क्या अंतर देखेंगे कि जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गयी जब किसमिस को हम जल में रखे पानी में रखे तो वह जल ग्रहण करके फूल गई जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गए तो एक कोशकीय अलवणीय जलीय जीवो तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवो तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं किसमिस का उदाहरण तो आप लोग सब देखे होंगे घर में भी देखे होंगे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है पौधों के मूल द्वारा पौधों के जड़ के द्वारा जल का अवशोषण और परासरण का एक उदाहरण है इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अतिरिक्त को अपने बाहरी पर्यावरण से अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है विश्रण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी द्वारा ही होता है इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से ही देख सकते हैं कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कुछ की जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है अमीबा एक उष्की जीव होने के कारण अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है अब है कुछ प्रश्न और कोशिका भित्ति कल हम आप लोग को प्रश्न करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर आते जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली को झिल्ली क्यों कहते हैं कल प्रश्न और कोशिका भित्ति हम लोग आगे बढ़ेंगे फाइव पॉइंट टू टू से कल और आगे हम लोग पढ़ेंगे थैंक यू